नरखेड़ तहसील के खंडाला गांव में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण शुरू था। इसी बीच सरपंच ने आकर अचानक कर्मचारियों से मारपीट की। इसी के विरोध में और सरपंच को निलंबित करने की मांग करते हुए आंदोलन किया गया। टीकाकरण के दौरान करीब 15 किशोरों का वैक्सीनेशन हो गया था। इसी बीच अचानक खंडाला गांव के सरपंच आए और कहने लगे कि किसके परमिशन से टीकाकरण शुरू किया गया और गाली गलौज शुरू की, जिसके बाद प्रवीण धोटे आरोग्य सहायक प्राथमिक आरोग्य केंद्र भिष्णुर को और कोविड लसीकरण वाहन के ड्राइवर से मारपीट की। साथ ही आरोग्य सेविका श्रीमती गजबे को गाली गलौज की, जिसके बाद डॉक्टर किशोर ढोबले ने इस संबंध में सरपंच से मोबाइल पर पूछताछ की तो उन्होंने उन्हें भी गाली गलौज की। इसके विरोध में सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने आंदोलन कर सरपंच को तुरंत निलंबित करने की मांग की है। आज जो आमच्या कर्मचाऱ्यावरती जो हॅड हल्ला झालेला आहे त्याचा एक निषेध नोंदवण्यासाठी आम्ही इथे सगळं आरोग्य कर्मचारी संघटना सगळ्या संघटना एकत्र झालेल्या आहेत आणि त्या अनुषंगानं आम्ही या जो प्रकरणात जो हॅड हल्ला झाला या प्रकरणाचा आम्ही तिथे निषेध नोंदवतो आणि अशी मागणी आहे आमची की या ज्या ज्या कोणी हा गुन्हा केला ज्यांनी कोणी या आमच्या कर्मचाऱ्यावर हॅड हल्ला केला त्याला कायद्याच्या चाकुरीतून अटक व्हायला पाहिजे, अजामीन पत्र गुन्हा नोंदवला गेला पाहिजे आणि अशाच प्रकारचे जर भ्याड हल्ले समाजामध्ये आमच्या कर्मचाऱ्यावर जर होत गेले तर कायदेशीर माध्यमानं सरकारनं सुद्धा याच्यावर बंधनं लादली पाहिजे आणि मी विनंती करतो शासनाला की जो ज्यांनी कोणी हा गुन्हा केला त्याला जामीन मिळू नये, त्याला शेवटपर्यंत तो त्या जेलमध्येच राहायला पाहिजे।